صفات سمجھائیے نبیوں نے، اللہ کی قدرت سمجھائیے، اللہ کی نعمتیں سمجھائیے بندوں کو، کہ ان چیزوں پر غور کرو اور اپنے اللہ کا تعلق قوی کرو، پھر اللہ کی صفات جمالیہ سے ان کو اللہ کا امیدوار بنایا لوگوں کو، فاستغفر اللہ، کہ اللہ سے استغفار ہو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یہ نبیوں کی دعوت میں ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کی شانوں سے، اللہ کی صفاتوں سے اللہ کی شان کا تعارف کرایا، تاکہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اطاعت محبت سے کرے، یقین سے کرے، ایمان، ایمان کے یہی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، والذین آمنوا اشد حب للہ، یہ بتایا ایمان والے وہ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سے سب زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا انقیاد اور اطاعت ہے، ورنہ تو محبت جھوٹی ہے، یہ محبت کا کیا تقاضا ہے، یہ بات مانے، راضی کرے، جس سے محبت ہے اس کو، ہاں اس کی کوئی بات گرنے نہ دے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اسے اللہ کی شان صفات سے محبت کرائے، تعارف کرائے اللہ کا، اللہ کی قدرت بتا کر اللہ کی عظمت سمجھائی، نبیوں نے اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ نے یہ کیا ہے، تاکہ اللہ کی عظمت آئے، اور جو کچھ کریں گے اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، اپنے ارادے سے کریں گے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، پھر اس کے خزانے ہیں وہ سب تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ اظہار کرم کے لیے ہے، اللہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ ان کی عبادت کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان پر اظہار کرم کریں، اس لیے ان کے لیے خزانے ہیں اور وہ کھلے ہوئے ہیں اور خرچ کریں گے اللہ ان کو، یہ سب اللہ کے شان صفات سمجھائی نبیوں نے، تاکہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے،
एक दूसरी बात यह है कि दुनिया जो है वो हालात का घर है। यहाँ हालात आते हैं आदमी पर, बीमारी, तंदुरुस्ती, गरीबी, फकीरी, मोहब्बत, अदावत, तंगी, फराती, ये सब अंधेरा, उजाला, रात, दिन, ये सब दुनिया हालात के अंदर है। हालात से खाली नहीं है। तो इन हालात में क्या करें? तो नबियों की दावत में ये है कि क्योंकि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है तो तुम हर हाल में अल्लाह की इताअत करो और जो हुक्म मिले वो करो। फ़अलू मा तुमरून, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। ईमानी जिंदगी वो होती है कि जो हुक्म को सामने रखकर चले। जैसे फौजी होता है उसके सामने हुक्म मतलब ऊपर से ऑर्डर है बस। मैंने मुल्क के शाम में देखा कि ईद के दिन हम तो ईद की तैयारी कर रहे थे और फौज को ऑर्डर आया ऊपर से तो वो जा रहे हैं। क्या तो ईद है, मुसलमानों का मुल्क है, ये सब देखो ईद है वो ईद, लेकिन हमको तो ऊपर से ऑर्डर है वो जा रहे हैं। हाँ, और हम ईद की तैयारी में थे, क्यों? ऊपर से ऑर्डर है। मुसलमान की जिंदगी अपने ईमान की वजह से और इस वजह से कि कामयाबी अल्लाह से मिलेगी, उसकी जिंदगी में हर वक्त अम्र इलाही होता है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह के अवामिर को जानना और अल्लाह के मंशा को जानना ये इल्म है। तो दूसरी चीज अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया नबियों के जरिए से, वो इल्म जो अल्लाह को राजी करे, हुदूद कयूद बतावे, बंदगी के हुदूद, बंदगी के कयूद, बंदगी के शुरूत और सेहत के शुरूत, कबूलियत के शुरूत, ये इलम अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए से दिया है। इल्म उलूम अंबिया, उलूम अंबिया का ताल्लुक चीजों से नहीं होता, दिलों से होता है। दुनिया के फनून का ताल्लुक चीज़ों से होता है, लोहे से ये होता है, बिजली से ये होता है, लकड़ी से होता है, हवा से होता है, ये दुनिया भी चीज़ों में क्या तासीर है। नबियों के इल्म का ताल्लुक लोगों के दिलों से है कि लोगों के दिलों में अल्लाह का यकीन आवे, अल्लाह का खौफ आवे, अल्लाह से मोहब्बत आवे और वो भी अल्लाह के हद पर रहे, अल्लाह के हक पर रहे। हुदूद और हुकूक की मारिफत ये हमारे इल्म में है। अंबिया कराम बताएंगे कि हुकूक क्या है, हुदूद क्या है, अल्लाह को राजी करने के, इसी से अल्लाह ताला राजी होता है। इसलिए ये दो सिफतें अल्लाह की नजर में बड़ी है, इल्म और ईमान, इसी पर अल्लाह ताला बुलंदी देते हैं इल्म और ईमान की वजह से। यरफ़ल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह इल्म वालों को बुलंदी देते हैं, ईमान वालों को बुलंदी देते हैं। वो बुलंदी जो अल्लाह चाहते हैं वो बुलंदी, तो उसकी बुनियाद इल्म और ईमान बनाई गई है। इसलिए इस इल्म की बहुत अहमियत है। इस इल्म को अल्लाह आखिर तक जिंदा रखेंगे, इसकी इसको जिंदा रखने का, बाकी रखने का जिम्मा अल्लाह ने लिया है कि जब तक कोई इसकी तलाश में निकलेगा, इसकी तलब में निकलेगा, अल्लाह ताला उसे देंगे। ये भी है, इस इल्म को अल्लाह जिंदा रखेगा ताकि जब लोग उसकी तलाश में आवे, उसकी तलब में आवे, उसे हासिल करने पर तो अल्लाह उसे असबाब अदा कर देगा। क्योंकि इस इल्म पर नजात है, इसी इल्म पर दुनिया का बका है कि दुनिया उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कि इस इल्म का कोई असर रहेगा। हदीस में कि एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा तो दुनिया बाकी रहेगी, क्या करनी है, कयामत नहीं आएगी। तो ये इलम मामूली नहीं है कि दुनिया का बका जो है वो इसी पर मुनहसिर है। इस इलम के आसार जितने बाकी रहेंगे इतने दुनिया की खैर है, जब इस इलम के आसार मिट जाएंगे फिर दुनिया भी मिट जाएगी। ये इलम बड़ी चीज है, इस इलम वालों का शरफ है बहुत अल्लाह के दरबार में। आदमी का शरफ के उसके इलम की वजह से फरिश्ते उनकी तंजीम करते हैं, मखलूक इनके लिए दुआएं मांगती है,
खुशकी की तरी की जितने मखलूक हैं वो सब इल्म की वजह से दुआ मांगती है। सीखने वालों के लिए भी दुआ होती है, सिखाने वालों के लिए भी दुआ होती है। जो सीखने वाले होते हैं इल्म को, उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं मखलूक, और जो सिखाने वाले होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ मांगती है इल्म वालों के लिए। तो ये बड़ी दौलत है इस इल्म के साथ। इस इल्म के साथ ये है कि इस इल्म का हक अदा करे, ये हक है, बड़ी नेमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म से इल्म वाले तैयार किए, कोई किताब आपने लिखी नहीं। लेकिन अपन माना जैसा के 1,45,000 किताबें तैयार हो गई। वो कैसे कि हर सहाबी किताब, उनका इलम बहुत पुख्ता है। हजरत अली का जन्म मिंबर पर से मेरा इसका मतलब बता रहे, मेरा समझ से बहुत मुश्किल है। किसी ने पूछा तो मिंबर पर से उसका जवाब दे दिया, उसको मसला मिंबर या कहते हैं मेरा वाले। जी हाँ, क्यों, कितना गहरा इलम है हर सहाबी के पास, क्योंकि यही असल चीज है जिंदगी में। अल्लाह ताला के हुकूक, अल्लाह ताला के हुदूद को पहचानने के लिए इल्म के सिवा कुछ नहीं। पिछले सहाबाए किराम ने इल्म दिया और इल्म दिया, फिर बाद वालों ने भी, और ये सिलसिला था। फिर इल्म लेकर, इल्म लेकर इल्म की भी खिदमत की और उम्मत की भी खिदमत की। उम्मत से कुछ नहीं मांगा, जी हाँ, और मुख्तलिफ खिदमतें की है हमारी उलमा की तारीख में। आप देखें मुख्तलिफ खिदमतें की है, किसने इस मौजू को संभाला, किसी ने उस मौजू को संभाला, किसी ने उस मौजू को संभाला, मुख्तलिफ खिदमत नबूवत की विरासत में मुख्तलिफ खिदमतें उलमा इकराम ने की। इसे मौलाना इजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है अपनी बात किताबों में कि इस उम्मत में उलमा का वजूद जो है वो भी मौजज़ा है, जैसे कुरान शरीफ मौजज़ा है। अल्लाह ताला ऐसे उलमा पैदा करेंगे जो कुरान का सही मिसदाक समझाएंगे और सही रहबरी करेंगे। चुनांचे अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा किए, बड़ी बड़ी खिदमतें की कि अकल हैरान रह जाती है। बड़ी बड़ी खिदमतें इल्म के लाइन की भी, इस्लाह के लाइन की भी, हर लाइन की बड़ी बड़ी खिदमतें, क्योंकि इल्म का यही तकाज़ा है। कई से इलम से उम्मत की खैरकाही की जाए, दुनिया वालों की खैरकाही की जाए, उन्हें हक की तरफ रहबरी उनकी की जाए, और उनसे क्या चाहा जाए कि कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं चाहते। जैसे हम बेहद जलान पर कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हमारी है वो कबूल कर लो बस, और अपनी ज़िंदगी बना लो, फिर दुनिया और आखिरत में खुश रहेंगे, और कुछ उनसे लेना नहीं है। जो नबूवत का तरीका है वो इनका तरीका है इलम वालों का। इसलिए जिस तरह ईमान की वजह से अल्लाह की ताईद आई है, इल्म की वजह से भी इस उम्मत को अल्लाह की ताईद मिली है। ईमान की वजह से ताईद आई, मददें आई, इल्म की वजह से मददें आई कि अल्लाह ने रास्ते खोले हक के फैलने के और बातिल के मिटने के, क्योंकि उनकी खिदमतें हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं इलम के रास्ते से। उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी बड़ी इलम की से मेहनतें की हैं, याद किया है इलम को, महफूज किया है। एक एक आदमी के सीने में लाखों हदीसें हैं, जी हाँ, मेहनत करके उसको लिया, मेहनत करके उसको संभाला और उसकी हिफाजत के अनुभव पैदा कर दिए ताकि आने वाली उम्मत इससे फायदा उठा। मुस्तकिल इतनी खिदमत की है इलम के रास्ते की, उसकी वजह से ये दीन उम्मत का महफूज हो गया। मैं जॉर्डन में था, हमारी जमात थी वहाँ, मैं कोई बैठे बैठे दिखा था मस्जिद में, ज़्यादा काम वहाँ था नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, मुझसे बातें करने लगे, पढ़े लिखे आदमी थे, पूछने लगे, मैं कुछ बताने लगा, तो मुझसे पूछने लगे कि आपने अरबी कहाँ सीखी।
मैं कहीं हिंदुस्तान में आपके माँ बाप अरब है, इसमें तो मेरे माँ बाप अरब नहीं है। ये आपके उस्ताद अरब है, मतलब मेरे उस्ताद भी अरब नहीं है। फिर कैसे आई, माँ बाप भी अरब नहीं है, उस्ताद भी अरब नहीं है, फिर अरबी कहाँ से आई। फिर मैंने दारुल देवबंद की मुख्तसर तारीख बताई उनको, यहाँ से अरबी आई है, हमारे बुजुर्गों ने ये खिदमत की है हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद। तो वो कहते हैं कि आपके बुजुर्गों ने बड़ा काम किया है, और जो कहा कि आपकी रिवायात को उन्होंने महफूज कर लिया, ये सही दास्तूर है उसका। हमारी रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है हदीसों की। हमारी रिवायत, हमारी मुआशरत, ये सब हमारी महफूज होगी। इल्म एतबार से रिवायत और मुआशरत उनकी मेहनतों की वजह से, क्योंकि उलमा इकराम की मेहनत से एक खास मुआशरत कायम हुई है कि लोग दीन चाहते हैं, दीन को पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा दीनदारी मौलाना यूसुफ साहब फरमाते हैं, सबसे ज्यादा दीनदारी और हिंदुस्तान में। क्यों? यहाँ उलमा इकराम की खिदमत है, उनकी तवज्जो है, इस वजह से हमारी मुआशरत ये बाकी रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ रोज़ अल्लाह ताला ऐसे उलमा पैदा करते हैं अपने फ़ज़्लो करम से कि उसमें तरक्की हो रही है। और यही असल बात है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उलमाए किराम के ज़िम्मे है, क्या ज़िम्मे है? तो उलमाए किराम के ज़िम्मे ये है कि वो उलमा तैयार करें, ये उनके ज़िम्मे है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया, सहाबा ने ताबीन को तैयार किया, तभी ताबीन को तैयार किया, उन्होंने अमानतें उठाई और दुनिया में फैलाई। तो उलमा की जिम्मेदारी बता देते कि उलमाए किराम की जिम्मेदारी ये है कि वो उलमा तैयार करें, ताकि वो इस अमानत को संभाले एक के बाद दूसरा, खला न पड़े। अगर संभालने वाले नहीं होंगे तो खला पड़ेगा, भाई फला साहब तो चले गए, अब जगह खाली पड़ी हुई, जैसे हो रहा है। तो फरमाते तो उलमा कराम की जिम्मेदारी ये है कि वो उलमा तैयार करें, ताकि ये खिदमत और दीनी ये तकाजे मुस्तकिल तौर पर चलते रहे। दूसरी बात ये फरमाई कि उलमा के जिम्मे है कि तबकात को इल्म दें, तबकात को इल्म दे। ताजरों का तबका, जमींदारों का तबका, मजदूरों का तबका, पहलेदारों का तबका, मईशत की वजह से तबके हो गए हैं लोगों के, कि तबकात के पास अपने तबके का इल्म होना चाहिए, नहीं तो वो जहालत पर अपना काम करेगा या दूसरे तरीकों पर अपना काम करेगा। और हमारा दीन कामिल है, खाली इबादत का दीन नहीं है, जैसे दूसरे अध्ययन होते हैं कि उनके बाद इबादत की कुछ रस्में हैं उसके लिए जमा हो जाते हैं तो खत्म हो गए, जिंदगी के दूसरे उम्र पर उनकी दीनदारी का कोई असर नहीं होता, उसमें वो आजाद है। हमारे यहाँ ये है कि हमारा दीन कामिल है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर और जिंदगी के हर हाथ पर हमारे पास इल्म और ईमान की रोशनी है कि हम इस तरह करेंगे, जूता पहनेंगे वो भी इल्म के साथ, जूता लेंगे वो भी इल्म के साथ, जूता पकड़ेंगे वो भी इल्म के साथ, ये जूता के साथ पकड़ूंगा यहाँ से। क्यों? कि शमाइल की हदीस है कि हुज़ूर सल्लम अच्छी चीज़ों के लिए दाया हाथ इस्तेमाल करते थे और दूसरी चीज़ों के लिए बाया हाथ इस्तेमाल करते थे। ये हमारे पहला में आदाब का, तो पिछले फरमाते थे कि उलमाए किराम के ज़िम्मे है कि तबकात को इल्म दे, कि ताजिरों के पास तिजारत का इल्म शरीयत होना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिजारत का इल्म शरीयत उतरा है, इस तरह इबादत का इल्म उतरा है,
कि नमाज ऐसी पढ़ो, रोजा ऐसी दो, रोजा ऐसा रखो, ऐसा करो, रोजी करे ऐसा करो, ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिजारत का इल्म उतरा है, ज़रात का इल्म उतरा है, मनसब और अहदों का इल्म उतरा है, और मईशत में तंगी है, गरीबी है, मजदूरी है, तो मजदूरी का इल्म, कि मजदूरी कैसे करोगे? ये हमारी किताबों में है, हमें मजदूरी करना है, कि मजदूरी की क्या शरीयत है, जमींदारी की क्या शरीयत है, ये उतरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से, कामिल दीन उतरा है। क्यों? ये जिंदगी की बहुत जरूरतें हैं, तो हर जरूरत में मजहब की रोशनी होनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी जरूरतों को बगैर मजहब के अदा करेंगे तो वो गुनहगार बनेंगे। इसलिए फरमाते थे कि उलमाए कराम के जिम्मे है कि लोगों को इनकी तबकात का इल्म दें। तो तबकात कैसे इल्म देंगे? एक तो ये कि भाई उनको लिख करके दे दिया भाई ये मसाइल, तो ये काफी नहीं है, वो तो होता ही। तो उसका तरीका ये है कि उनमें सबसे पहले अपने इल्म की, अपने दीन की तलब पैदा करानी है। जब अपने इल्म की, अपने दीन की उनमें तलब पैदा होगी तो वो अपनी चीज को अपनी तलब से लेंगे। इसलिए इल्म से पहले दावत आई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर उलूम आए हैं, तो तमाम उलूम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत से जोड़ा है। जैसे तौहीद का इल्म आया तो तौहीद की दावत दी, या यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तौहीद की दावत, क्योंकि हमको तौहीद का इल्म दिया गया है, फ़अलम अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का इल्म दिया गया है, फ़अलम अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, ए नबी जान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह तौहीद का इल्म दिया है। तो तौहीद के इल्म के साथ हमने लोगों को तौहीद की दावत दी। जितने उलूम आए, क्योंकि वो उलूम थे लोगों के लिए, ले तो बैन लिन्ना से मान उज्जिला इलैहिम फलअलम यतफक्करो, क्या लोगों के लिए इल्म अल्लाह ने दिया है और वक्त आप उसको पहुंचाओ। तो दावत का मतलब ये होता है कि जो चीज हमें देनी है उसकी अहलियत लोगों में पैदा करनी है। जैसे डॉक्टर उस वक्त इलाज करता है जब मरीज के बदन में उस इलाज की अहलियत होती है, अगर उसके बदन में उसकी अहलियत नहीं होती तो वो कहते हैं अभी इलाज नहीं होगा, अभी शुगर ज्यादा है, वो ज्यादा है, वगैरह वगैरह। जी हाँ, वो इलाज को अपने हाथ पर नहीं लेते, क्यों? कि मरीज में उस इलाज के बर्दाश्त की ताकत ही नहीं है, उस दवा को वो खत्म नहीं करेगा उसका बदन, तो उसको मौखर करते हैं, इसमें कुत आने दो करेंगे वो बढ़ेंगे उसके बाद इसका प्रेशर करेंगे। तो जो हाल तबीयत का है इलाज के अतबार से, वही हाल इंसान की रूह का भी है, कि अगर उसकी बदन उसके अंदर ये ताकत नहीं होती तो वो इलम उसको उसके लिए बोझ बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दावत की एक मेहनत उतारी है, उस दावत की मेहनत की गरज ये होती है कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आवे पहले उसकी तलब पैदा हो जाए और पहले उसका यकीन पैदा हो कि मेरी कामयाबी इसी में है, और यकीन मेहनत से आता है। तो एक मेहनत नबियों को उमूमी अंदाज से दी जाती है कि ये और वो मेहनत होती है अल्लाह के अवामिर और अहकाम की, चीज़ों की नहीं, हुक्मों की मेहनत, इनको हुक्मों की, हुक्मों के फायदे बताओ कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने से क्या मिलेगा और अल्लाह का हुक्म तोड़ने से क्या होगा, और जो होगा वो यकीनी तौर पर होगा, जो वादा है वो यकीनी है, जो वईद है वो भी यकीनी है। ये सबसे पहले ये उलूम आते हैं, अल्लाह ताला नबियों को मुबशिर और मुंदिर बनाकर भेजते हैं
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ ہم نبیوں کو کیسا کہتے ہیں کہ بشارت سناؤ تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں یہ ملے گا اور نہیں تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا خطرے سے آگاہ کرو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اور تیسری چیز کہ ان کے ساتھ معاملہ اخلاق سے کرو کیونکہ ان میں جہالت ہے تو جہالت کا تو جہالت کی تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی جہالت کی جہالت تو ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا پن ان میں جہالت ہے تو پھر کہ ان سے معاملہ اخلاق کا کرو نبیوں کو کہا گیا صبر کرو درگزر کرو ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ بھئی دعوت دینی ہے تو کہ مار کھانے کی اجازت ہے ماننے کی اجازت نہیں ہے کہ تبلیغ کرنی ہے تو کہ کوئی مارے تو کہ مار کھا لو مار کھانے کی اجازت ہے مگر مارنے کی اجازت نہیں تو مارو کہ مارنے کے کیسے آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ دعوت بھی دیا اور مارے بھی اس کا کیا جوڑا ہے جیسے آپ کسی کو ولیمے کی دعوت دو کہ ہمارے یہاں ولیمہ ہے بیٹے کا یا افریقہ ہے اور پھر وہ جائے تو پھر اسے لڑے دعوت بھی دے اور لڑے بھی وہ دعوت بھی دے اور مارے بھی کیسے کوئی جوڑ نہیں کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ یہ حکم آیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی کسی کو مت پاؤ اور نمازیں قائم کرو اور اللہ کی مدد حاصل کرو تو دعوت میں اہلیت پیدا کرنے کے لیے امت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا علم اتارا ہے نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے ایسی ترغیب دیتے تھے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا کہ اگر میں اس جگہ مارا گیا تو مجھ کو جنت ملے گی کہ ہاں تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اگر مال خرچ کرنے کی ترغیب آئی عبدالرحمن عوف کو تو وہ پورا مال لینے کے لیے تیار ہو گئے اور چل بھی دیے گھر کہ پورا مال لے کر آؤں پھر حضور نے ان کو واپس لوٹایا کہ نہیں جبریل نہ کریے یہ بات کہیے پورا مال نہیں دینا حدیثوں میں ہے آپ جانتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ جو کام کرانا ہے اس کی اہلیت پیدا کراؤ تو اہلیت پیدا کرانے کا ایک طریقہ ہے تو لالچ دینے کا ہے کہ دنیا کی کوئی لالچ ہو یہ طریقہ باقی ہے اور ناپائیدار ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی کامل کر اس کا یقین پیدا کراؤ بجائے لالچ پیدا کرانے کے کہ مجھے خدا تعالیٰ اس پر یہ دینے والا ہے یہ پائیدار ہے وہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے گا تو نبیوں نے لالچ نہیں دی کہ تم بڑے ہو جاؤ گے تم حدی میں نہیں گئے ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر آپ کا کام چل پڑا تو آپ کی وفات کے بعد معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا پھر اللہ جس کو جائے انصار مدینہ پوچھا کہ ہم نے آپ کی نصرت کی تو ہم کو کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت ملے گی کوئی لالچ نہیں یہ جنت ملے گی تو انصار تیار ہو گئے کیوں تم کو جنت کا یقین ہو گیا کوئی دوسری لالچ نہیں دی کہ تم بڑے بنو گے یہ ہوگا کیسے نہیں تمہیں جنت ملے گی تو اہلیت پیدا کرانے کی پہلی بنیاد کہ امت میں اللہ کے وعدوں کا اللہ کے حکموں کا اللہ سے کامیابی ملنے کا یقین آنے پھر وہ بات چلے گی اپنے اپنے یقین کے اعتبار سے اس لیے دعوت دی ہے اللہ کے انعامات اکرامات سمجھائے اور ان سے معاملہ اخلاق سے کیا ہے اکرام سے کیا ہے ان کی طرف سے کوئی ناگواری آئی تو اس کو برداشت کر لیا اور اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا یہ حکم ہے ایک دفعہ مل جاتی ہے آسن کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کام میں تو تم مجھے برائی مت کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو تو وہ اس کی برائی ختم ہو جائے گی اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور وہ محبت کرے گا تو یہ دعوت کا اسلوب ہے انبیاء کرام کہ جان اپنی مال اپنا اور خیر خواہی ساری دنیا کے لوگوں کی اور طریقہ یہ کہ اللہ کا انعام اکرام سمجھا کر ان کو تیار کرو اور ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو اور اس راستے کی مشقت کو برداشت کرو یہ طریقہ ہے
नजीर तरीका नबियों ने इख्तियार किया, सहाबाए किराम ने इख्तियार किया, इसने उन पर कुछ हालात भी आए, फिर वो हालात खत्म हो गए और अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में वो बातें पैदा कर दी जो पैदा होनी चाहिए थी और तैयार हो गए और लोगों में सलाहियतें आ गई इस मेहनत की वजह से। चुनाचे ताजिरों में ताजिरों का दीन था, जमींदारों में जमींदारों का दीन था और मजदूरों में मजदूरी का दीन था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मीना में थे अपना सर मुंडाने के लिए, तो वो सर मुंडने वाला है तो इमाम पे गए तो वो कह रहा है कि अपना मुंह किबला की तरफ कर, वो नहीं जानता कि कौन है इतनी वजह करेगा किबला। तो इमाम ने किबले की तरफ मुंह किया और खामोश बैठे, फिर वो कहने लगा कि कबीर अल्लाह अल्लाह बोल। तो इमाम अल्लाह बोल, फिर कह रहा है कि दाहिनी तरफ कर रुख मेरी तरफ कर, बाल मुंडों का दाहिनी तरफ से, ऐसा बार बार टोके है। इमाम हैरान है कि इस सर मुंडने में इसको इतने छह मसले बताए, तीन तो मैं बताए तीन मैं भूल गया। तो उसने सर मुंडने के दरमियान में इमाम अबू हनीफा को छह मसले बताए, किसके सर मुंडने के, क्योंकि हमारे पास सर मुंडने की भी शरीयत है। तो इमाम हैरान है, इमाम ने हैरान से पूछा कि मिनाई ने कहा था लड़ कि तुझे इतना इज्जतदार और इतना ध्यान कहां से किसे सीखा नहीं इतने आदाब के सर मुंडने का। तो कहा मैंने अताइज नबी रहबा, मैंने इसको अताइज नबी रहबा से ये सीखा है। वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के खादिम थे तो अपने खादिमों को सहाबा इलम दे देते तो बड़े बड़े उलमा हो जाते थे, उनसे बर्ताव ऐसा करते थे। ये नहीं कि शादी में अगर उनसे खिदमत ही लेनी है, उनसे नौकरी करानी है, नहीं उन्हें दीन देना है। तो ये तरीका था कि लोगों में तलब पैदा कराना अखलाक से, तरगीब से, और फिर तलब के मुताबिक वो आए और पूछे। सुनना सही होता था, फिर उसको अपने दीन के हमले समझ में आ जाती थी और वो पूछने आता था कि मैं इसमें क्या करूँ, मैं इसमें क्या करूँ। अब वो एकदम सही ठिकाने पर लगता था। हदीब ने हातिम आखिर में मुसलमान हुए थे, हदीब दाई के बेटे हैं, वो आखिर में मुसलमान हुए थे। हातिम दाई को इस्लाम नहीं मिला, वो पहले मर गया था। जिस साल अब्दुल मुत्तलिब की वफात हुई है उसी साल हातिम दाई भी मरे, लेकिन उनके बेटे आए थे और आखिर में आए थे, उसकी कौम के बड़े थे, पेशवा ईसाई के। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी और वो मुतमिन होकर के फिर मुसलमान। तो वो पूछने आए, या रसूलल्लाह हमारा काम शिकार करना है, हमारे पास बड़े बड़े कुत्ते हैं जो बड़े बड़े रोज और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, तो हमें शिकार के बारे में फरमाया कि हमारे जानवर हमारे कुत्ते का शिकार कब हलाल होगा, उसकी क्या शरीयत है। ये असली तरीका, उसकी रिवायतें हैं हदीसों में, ये तरीका है, ये तरीका है, ये वो। तो फिर तुम्हारा कुत्ता वो तो उन्होंने बताया इस तरह कुत्ता छोड़ना, कुत्ते होना, कुत्ते के शिकारी होने की ये शर्त वगैरह। ये मिसाल है कि वो अपने धंधे के लिए दीन पूछने आए कि मेरा धंधा ही है, मैं हम तो शिकारी हैं। यमन के लोग पूछे थे हमारे यहाँ शराब आम है और हम पीते हैं, तो उसका क्या हुक्म है। फना चीज खास नाम लेकर गया, फना चीज हमारे यहाँ बनती है, उसको लोग पीते हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो अपने पीने की चीज़ के शरीर पूछ रहे हैं, हुजूर ने अगर उसमें नशा है तो आराम है। ये मिसाल है कि लोगों में दीन की तलब पैदा करा करके दीन देना, ऑपरेशन उस वक्त करना जब उसके बदन में उसकी ताकत आ जाए, तो ये ऑपरेशन कामयाब होगा। ऐसे लोगों में दीन की तलब पैदा करना, आखिरत की अजमत पैदा करना और फिर दीन देना। अब उसके हाथ से दीन का कोई अमल छूटेगा तो उसको गम होगा कि फला अमल मुझसे फौत हो गया, क्यों, कि उसको उस अमल की कीमत मालूम है और उसका यकीन था कि इस पर ये अल्लाह ही देते। ये मिसाल है, इसलिए दावत आई है मेहनत की, पहले मेहनत आई फिर दीन आया। ये मेहनत एक अमूमी मेहनत है,
दावत की मेहनत, पब्लिक के नाम से वो मशहूर हो गई है, बगैर है वो मेहनत, पब्लिक तो बाद में होगी, ये तो उसके अंदर अहलियत पैदा हो जाए तब अहकाम दिए जाएंगे। अहकाम पहुँचाना है, पब्लिक के माने पहुँचाने के हैं, तो एकदम नहीं पहुँचा देंगे, अगर एकदम पहुँचाएंगे तो वो फेंक देगा। हम लोग ताइब से मक्के जा रहे थे, जमात थी हमारी, तो हमारे साथ ही ड्राइवर के साथ बैठ गया, मैं पीछे बैठ गया, तो वो ड्राइवर ने जैसे अरब ड्राइवरों की आदत होती है वो गाना जो था वो खोल दिया उसने, वो गाना शुरू हो गया। हमारे साथी ने उसको मना किया, ये ना कर, तो वो हरम है, तो वो बिल्कुल बेतकल्लुफ करने लगा, जानता उसको रख पक के तू जिक्र कर, मुझे गाना सुनने दे। खाना के बाद तो हमारे साथी खिलाई थी लेकिन बेमौका थी तो हजम नहीं हुई, और उसने ये कहा कि तू जिक्र कर और मुझे गाना सुनने दे। ये होता है कि हम किसी को हुक्म बताएं, मसला बताएं, तो उसमें उसकी सलाहियत नहीं है, इसलिए कहें कि सलाहियत पैदा कराओ, फिर उम्मत इस दीन की खूब कदर करेगी। इस उम्मत में अल्लाह ने बहुत सलाहियत रखी, मानने की भी, कुर्बानी देने की भी, बर्दाश्त करने की भी बहुत सलाहियत है। अन्नासु माअदिन कमाअदिन ज़हब वल फिदा शरीफ, कि लोग अपनी जगह ऐसे कीमती हैं जैसे सोने और चांदी की काने होती हैं। इसलिए इनकी सलाहियतों को काम पर लाना है, और उसका ये तरीका है कि इनमें पहले मेहनत की जाए, इनको अल्लाह की तरफ का रुजू बताया जावे, आखिरत बताई जावे, अहकाम की फजीलत बताई जाए, उसके ना होने का अंजाम बताया जावे, उनसे अखलाक से मामला किया जावे, तो फिर ये गर्वीला हो जाएगी, ये मोहब्बत करेगी। मौलाना इलिया साहब हमारे मौलवी शरीफ खान साहब फरमा रहे थे हम लोगों से, एक दफ़ा केरला हम गए तो केरला के उलमा जमा हुए, तो उनसे फरमाया कि याद रखो जिसको दीन सिखाओगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा, जिसको भी दीन सिखाओगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा। तो यही बात है कि जब उनको दीन सिखाने के लिए मेहनत करेंगे तो वो हमसे जरूर मोहब्बत करेंगे। पहले जहालत की वजह से मुखालिफत करेंगे, फिर जहालत दूर हो जाएगी। इसे साहबा से लोग कहते हैं, यार उस वक्त हमने आपको पहचाना नहीं था इसलिए आपको तंग किया था, अब हमने आपको पहचान लिया है, अब हमारी हर चीज़ आपके लिए हाजिर है। तो ये बात होती थी कि जब उनकी ये गलती और जहालत दूर हो जाएगी तो उम्मत में दीन की सलाहियत है, क्योंकि ये उम्मत दीन के लिए ही पैदा हुई है, इनके दिल में दूसरा काम नहीं है, ये अल्लाह के दीन को अपने नबी की जानशीनी के तौर पर संभालेगी, कि वो नबी की जानशीन है, अपने दीन को संभालेगी। इसलिए इस इलम को अल्लाह जिंदा रखते हैं ताकि उम्मत को ये इलम सही तरीके से पहुँचे, लेकिन इस इलम के साथ ये मेहनत है उमूमी कि उम्मत में तलब पैदा कराओ, क्योंकि ज़माना गुजर गया, उम्मत के अंदर से दीन की तलब खत्म हो गई है, आखिरत के बजाय दुनिया तलब ही आ गई है। अब उन पर ऐसी मेहनत की जावे कि जो उनमें तलब पैदा करा रहे, अल्लाह से आखिरत से उनकी मोहब्बत पैदा हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत के लिए उम्मत को हरकत दी है, उम्मत को मेहनत दी है कि हरकत पर आना। मजहब में हरकत भी है, सुकून भी है, क्योंकि मजहब की मिसाल चक्की से है, चक्की में हरकत भी है, सुकून भी है। ऐसी हरकत कि कभी अपने दीन को हरकत में लाओ और कभी अपने दीन में सुकून, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही करते थे। कभी एहतिकाफ का ज़माना आया तो मदीने में एहतिकाफ कर लिया, हर साल एहतिकाफ किया है, हाँ जी हाँ, और हरकत भी की है मदीने मुनव्वरा से, दोनों काम किए चक्की की तरह से, हरकत भी है, सुकून भी है, कमाल है। ये दोनों बातें इलम के साथ, इलम के साथ हरकत भी हो, इलम लेने के लिए सुकून, इलम हासिल करना हो तो सुकून, और यकसुई के बगैर इलम मिलता नहीं, तो इलम के लिए यकसुई इलम हासिल करो, इलम हासिल हो जाए तो इलम के तकाजे पूरा करने के लिए हरकत करो, अमल के लिए हरकत है, चाहे जाती अमल हो चाहे इज्तिमाई अमल हो, उसके लिए हरकत करनी पड़ेगी, अपने जाती अमल के लिए भी हरकत। कोई नमाज का वक्त हो गया तो सबक बंद करके नमाज पढ़ने चले जाएंगे, हाँ अब सबक का वक्त नहीं नमाज का वक्त है, अब अमल का वक्त आ गया। ऐसे ही इज्तिमाई अमल है कि उसका भी वक्त देना पड़ेगा, ताकि इज्तिमाई अमलों के जरिए से उम्मत की इज्तिमाईत ये तीन पर आ गई। इसलिए हरकत भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आप हरकत में रहते थे,
कि जो लोग बेतलब हैं कि उनके पास जाओ, उनमें तलब पैदा कराओ, उनमें आकर की फिक्र पैदा कराओ, उनकी कड़ी भी कशरी बर्दाश्त कर लो, तो उनकी ज़िंदगी रुख कराएगी, फिर वो अपने दिन के मददगार बन जाएंगे। इसलिए दोनों बातें पैदा करनी है, इलम की यकसुई भी सही है और इलम की वजह से हरकत भी सही है, इससे पैदा होगा कमाल। इसलिए यह दरख्वास्त उलमाए किराम से की जाती है कि वो एक वक्त तो अपने दर्श व तदरीस में अपनी खिदमत में जो उनके ज़िम्मे हैं, क्योंकि उसको तोड़ के नहीं जाना है। हाँ, मजहब में तोड़ नहीं होता, मजहब में तरतीब होती है, इस वक्त में ये अमल कर लो, इस वक्त में ये अमल कर लो, इस वक्त में ये अमल कर लो। नबी के ज़िम्मे हैं तरतीब बताओ ताकि सारे अमल अपनी जगह जिंदा रहें। ये है माना यूसुआ फरमाते हैं नबी के ज़िम्मे होता है कि वो तरतीब अमल की बतावे, क्योंकि मुख्तलिफ अमल होते हैं, सलमान में क़याम भी है, रुकू भी है, सिजदा भी है, कायदा भी है, ये चार अरकान हैं और हर रुकन दूसरे से मुआरिज है। कि क़याम है तो रुकू नहीं होगा, और रुकू होगा तो सिजदा नहीं होगा, सिजदा होगा तो कायदा नहीं होगा, ये मुआरिज है। तो एक तरतीब हुज़ूर ने बता दी नमाज की, पहले क़याम होगा, फिर क़याम के बाद रुकू, रुके के बाद सिजदे, सिजदे के बाद कायदा, नमाज पूरी होगी, सद्दू कमर आई कमर हो सकू तरतीब बताइए जिंदगी के दिन में। ऐसे इस काम में तरतीब, एक वक्त में ये करेंगे, एक वक्त में वो करेंगे, ताकि दोनों को हयात भी मिले और दोनों को तरक्की भी मिले, इन्हें कि एक को तोड़कर दूसरा करें कैसे नहीं है। इसलिए कहा कि एक वक्त इस काम के लिए खाली करें। इसलिए मुतालबा और दरख्वास्त की जाती है उलमाए किराम से कि वो इस काम के लिए भी एक एक साल लगा लें, जैसे मुख्तलिफ मौजू के लिए साल लगते हैं, फिर तो फतवा में एक साल लगता है, तफसीर में एक साल लगता है, तो ये कोई अजनबी बात नहीं है। जी हाँ, और अनहोनी बात भी नहीं है, एक साथ इसमें लगाएं और इसका सफ़र करें, मुख्तलिफ लोगों से मिलें और अपनी बात रखें, अपनी बात रखने की मशक करें, इसके तासुब अपने अंदर पैदा करें, इसके लिए एक साथ, फिर तरतीब के साथ चलते रहें, हर साल हर महीने जो इसकी तरतीब है इस पर कम हुआ तो फिर इसके असरात पैदा होंगे और उस टाइम इज्तिमाही तौर पर लोगों में दीन आएगा, इबादत पहले आएगी, माशरत बाद में आएगी, ये होगा। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि एक एक साल के लिए तरतीब बना करके और इरादा करके अपने आप को पेश करें। आज के आज जाना नहीं है, कल भी जाना नहीं है, बल्कि तरतीब बना करके जाना है, ये हमारी अदत है। आप बताएं इसके लिए कौन कौन तैयार है? दौरे के तलब आए माशाल्लाह, दौरे के तलब फरमाए ये आज फरमाए आप भी उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे फरमाए फरमाए माशाल्लाह छुट्टियाँ भी आ रही हैं, समर की छुट्टियाँ भी हैं, छुट्टियाँ भी अपने आवाज लगाए सैफ उर्रहमान भी अपनी तरतीब बतावे, इरादे करे, नियत करे, उसके बाद में
اپنے مدرسے کے اعتبار سے ساری ترتیب بنا کر کے نکلنے کا نظام بناؤ. اس میں اصل پہلی چیز ہے نیت کرنا, جب تک دل میں کوئی چیز نہیں آئے گی تو اس کے بغیر نہیں ہوگی. الحمدللہ اللہ جل شانہ آپ سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں آپ, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو ہمارے علماء اپنے دین اور اپنی شریعت کے ساتھ حرکت میں ہوں گے تو ان کی حرکت کے ذریعے سے امت میں دین زندہ ہوگا. کہ آپ جس شعبے میں ہیں یہ شعبہ بہت اہم ہے. جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتائی, رکوع اپنی جگہ فرض ہے, سجدہ اپنی جگہ فرض ہے, قیام اپنی جگہ فرض ہے, لیکن ترتیب ہوگی. اس لیے یہ نہیں ہے کہ مدرسہ سے کل ہی چھٹی کر دو, صاحب امامت ہے کل اب تم اپنا انتظام کرو میں تو چلا بستر لے کر کے, یہ نظام نہیں. ہمارے یہاں ایک مرتبہ نوساری میں علماء کا الگ اجتماع میں جوڑ کیا, اس کے بعد میں دو تین جو علماء تیار ہوئے مولانا اسماعیل صاحب نے میرے پاس بھیج دیے. تین عالم تھے, ان حضرات نے اپنی ترتیب بنائی, چلے آئے. میں نے ان کو کہا نہیں تم کو نہیں جانا, تم کو واپس جانا. اسماعیل صاحب نے پھر آخر میں پوچھا کہ کیا ہے ان کا مسئلہ. میں نے کہا یہ سال کا بستر لے کر آیا اور میں ان کو واپس بھیج رہا ہوں. کیا کیوں؟ کیونکہ تینوں کو میں جانتا ہوں, ایک بخاری ایک مسلم شریف پڑھاتے ہیں, ایک ابو داؤد شریف پڑھا رہے ہیں اور ایک مشکا شریف پڑھا رہے ہیں, اور یہ سال کا درمیان ہے ربیع الاول. کیا ہو یہ چاہے بھی شعبان میں پھر اپنی ترتیب پڑھا. اس لیے دین ہم سب کا ہے, دین کے سارے شعبوں کو ہمیں سنبھالنا ہے. ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ نانی مرے تو بھی ہمیں رونا ہے اور نانا مرے تو بھی ہمیں رونا ہے. مدرسے کا نقصان ہو وہ بھی ہمارا نقصان ہے, مسجد کا نقصان ہو وہ بھی ہمارا نقصان ہے, طلبہ کا وقت ضائع ہو وہ بھی ہمارا نقصان ہے. کرنا ہے ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ. اس لیے اس وقت میں جو درخواست ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے طور پر نیت فرما لیں, جو حضرات ہمارے مشغول ہیں وہ اپنی نیت فرما لیں کہ مجھے سال لگانا ہے. اب کب لگانا ہے وہ ساری ترتیب دے دو مدرسے والوں سے کرو, الحمدللہ ہو جائے گی ترتیب. اس لیے اس کے لیے فرمانا شروع کر کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جاؤں گا. جی اور فرمائیں. جی مولوی صاحب ایک سال کے لیے مولوی امجد اوپر تھے. مولوی صاحب مولوی امجد نام ہے, نام کیا ہے؟ یہاں مولوی امجد تمہیں انشاءاللہ ساری کر. اور ہمت فرما ماشاءاللہ. اور ہمت فرما احتشام احتشام اور اس وقت میں امت کا بہت زبردست طلب ہے. کیا فرماتے ہیں اور فرمائیے؟ ماشاء اللہ. یہ مولانا عثمان صاحب 40 دن, مولانا عثمان صاحب 40 دن ماشاء اللہ. جن حضرات کا وسال لگ چکا ہے وہ اپنے درمیان میں ترتیب چلے کی بتاویں, چار مہینے کی بتائیں, یا سال میں جب تک جانا ہو اس کے درمیان میں. ابھی تو میں چلا لگا دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ اپنے سال کا کروں. یہ 40 دن والے حضرات جو ہے وہ ذرا وقت ابھی بتا دیں. اور فرمائیے. ماشاء اللہ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے, اللہ پاک بہت قبول فرماؤں. اور فرمائیے کیا فرما رہے, کیا مولوی صاحب نے کیا مولانا سلمان صاحب مولانا یوسف صاحب اور فرمائی اور ہمت کریے. دل میں ایک بات آئی ہے ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا, ورنہ وہ نیت ہے سڑ جائے گی. مولانا
जीवन सर और फरमाई सबक की छुट्टी आ रही है माशाल्लाह दानों में भी वगैरह मकातिब में भी छुट्टियां होने वाली है कुछ ज्यादा बाद मकातिब माशाल्लाह रमजान में चले थे और सबर की ऑलरेडी में छुट्टियां होने वाली है इसके लिए भी फरमाए कहूं के शौकात के लिए भी फरमाते हैं माशाल्लाह इसके लिए सोचते भी रहें अपनी तस्वीरें भी बनाएं इसके साथ साथ एक दरख्वास्त है ये है कि हर जगह पर मस्जिदवार जमात का काम चलता है हमारे उलमाए किराम का मस्जिदवार जमात के साथ में सुबह मशवरे में और आमाल में भी जुड़ना है एक तो हमारी अपनी तरक्की है और उसके साथ साथ उम्मत के लिए बहुत बड़ी रहबरी है मौलाना ने जैसे फरमाया हमारी जिम्मेदारी है उम्मत को दीन और तबकात को दीन देना ये उस वक्त होगा जब हम उनके पास बैठेंगे उठेंगे तभी वो उलमा के पास आएंगे पूछेंगे भाई आप रहबरी करेंगे इसके लिए ये है कि हर मस्जिद में जो आमाल होते हैं अपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इसको भी साथ में ले करके उसमें इंशाल्लाह बैठेंगे तो हमें भी नफ़ा होगा उम्मत को भी اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين اللهم زدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا يا الله ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما دے
آمین اللہ خیر سے مالا مال فرما لے ہر سر فتنے سے ہماری پوری عمر کی پوری حفاظت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم